नर्मदा जिले के रिवर राफ्टिंग जाने के रास्ते पर फैला गंदगी का साम्राज्य। बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में काम कर रही अमृत एंटरप्राइजेस एजेंसी द्वारा कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ियों द्वारा कचरा फैलाया जा रहा है। एक तरफ डोर टू डोर कचरा उठाने की कामगिरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर यह कचरा रिवर राफ्टिंग जाने के रास्ते पर खाली किया जा रहा है, जिससे आसपास के रहवासी व पशुओं की जान की खतरा से नकारा नहीं जा सकता है। रिवर राफ्टिंग क्षेत्र में गाड़ियां खाली न करने के जिला कलेक्टर के निर्देश की एजेंसी द्वारा जिया उड़ाई जा रही है। प्रस्तुत है गुजरात नर्मदा से गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। नर्मदा जिले के केवड़िया कॉलोनी में बड़ोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में अमृत एंटरप्राइज द्वारा डोर टू डोर कचरा उघराने की कामगिरी हो रही है। जो कचरा जो है वह रिवर राफ्टिंग जाने के रास्ते पर डाला जाता है। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हो, हम इस वक्त यहाँ पर रिवर राफ्टिंग जाने के रास्ते पर खड़े हैं। यहाँ पर पूरे केवड़िया कॉलोनी में जो भी गाड़ियाँ डोर टू डोर घूमती है और जो भी कचरा लाती है वो कचरे को यहाँ पर वो डालती है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो रिवर राफ्टिंग जाने के रास्ते पर यहाँ पर कचरों का ढेर यानी कि गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। पिछली बार भी नर्मदा जिला कलेक्टर साहब ने यहाँ पर ये जो गंदगी हो रही है वो कचरा दूर करने के लिए इन लोगों को सूचित किया था, और इस बार भी गरुडेश्वर तालुका पंचायत तथा लिमड़ी ग्रुप ग्राम पंचायत द्वारा भी एक पत्र किया गया है इस कचरे का योग्य निकाल करने के लिए। इसके बावजूद भी यहाँ पर ये जो कचरा जो है उसका निकाल यहाँ पर ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। एक तरफ देखा जाए तो यहाँ पर ये गाड़ियाँ जो है वो डोर टू डोर यहाँ पर कचरा इकट्ठा करने का काम कर रही है, वहाँ पर दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो कचरा जो है और ये जो भी गंदगी है वो रिवर राफ्टिंग जाने के रास्ते पर डाली जाती है, जिसको लेकर यहाँ पर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। वैसे देखा जाए तो रिवर राफ्टिंग करने आने के आते हुए प्रवासियों को भी इसी कचरे को लेकर दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। पिछली कई बार नर्मदा जिला कलेक्टर साहब ने भी इस कचरे का योग्य निकाल करने के लिए किया गया है, इसके बावजूद भी यहाँ पर एजेंसियाँ द्वारा ये कचरे का निकाल न करते हुए उसकी गंभीर बेदरकारी यहाँ पर देखने को मिली है। क्या अधिकारी ऐसी एजेंसी के सामने योग्य कार्यवाही करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन शंकर भाई तड़वी के साथ गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा।